शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंबर, अंबर बेटा, ये तो आप हैं, माय डियर फादर इन लॉ। गुड टू सी यू। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे वाकई किसी की जरूरत थी। क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? थोड़ा सा टाइम, प्लीज प्लीज वेट। पहले आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए। दो चार सिप मार लीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? तुम जानते हो मैं नहीं पीता हूँ। कम ऑन पापा, मैं जानता हूँ आप ये नहीं पीते। मैं भी कहाँ पीता हूँ। समटाइम्स यू हैव टू। अब आप मेरी खुशी में शरीक नहीं होंगे पापा। अरे बेटा 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 संभल के। ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या टेंशन है तुम्हें? अब तो सच में टेंशन से होने लगी है। आज से पहले अंबर ऐसे कभी भी देरी से नहीं आए। अरे कुछ काम आ गया, अटक गए तो कम से कम फोन करके तो बताना चाहिए। एक तो मेरे पास भी फोन नहीं है। मम्मी जी से ही बात करती हूँ। आप जानते हैं पापा, जब घर में सबके बड़े बड़े उसूल होते हैं और वो उसूल एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे जो शोर होता है वो कितना कितना जानलेवा होता है। आपने कभी सुना है ऐसा शोर? नहीं ना? तभी। लेकिन बेटा ये तुम्हें वो क्या कह रहा है बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? सब तहस नहस हो रहा है। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? उन्हीं ब्लडी उसूलों की वजह से। नहीं मम्मी, जैसे कह के कोई फायदा नहीं है। वो मुझसे इतनी नाराज है कि हो सकता है वो मेरी बात ही ना सुने। क्या हुआ नियति? तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसके बावजूद मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं है। मेरे लिए तुम आज भी वही हो, मेरी छोटी बहन जैसी। सच्ची, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो क्या हुआ? 11 बज गए दीदी और अंबर अभी तक नहीं आए। टेंशन हो रही है। हाँ नियति, ये बात तो टेंशन वाली ही है। मैं काम करती हूँ, मैं समीर भैया और ऋषि से कहती हूँ, वो अमर भैया को ढूंढ लाएंगे, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब नियति के उसूलों की वजह से हो रहा है? सब कुछ तो नहीं, पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। अगर आपकी बेटी मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं उसे सल्यूट करता। लेकिन ऐसे उसूल ना
समाज सुधार के आंदोलन में अच्छे लगते हैं पापा। अगर ये हमारी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे ना तो रिश्तों में फूट पड़ जाती है। तो घर के बड़ों की तोहीन होने लगती है और बेटियां बदनाम होने लगती हैं, यहाँ तक कि सालों में कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और मैं बीच का बंदर बन गया हूं ना। नियति के सही उसूलों को गलत कह सकता हूं और ना ये सह सकता हूं कि कोई मेरी बहन को चालू कहे। कनिका को? लेकिन बेटा उसे कौन? आप आजकल अखबार नहीं पढ़ते। सारा शहर हम पे हंस रहा है, हंस रहा है। जहां भी जाओ ना दो तीन लोग ताना मार ही देते हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है हमारा। अरे क्या 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 कर रहे हो बेटा? नहीं अब नहीं नहीं, देखो बेटा तुम पहले ही काफी पी चुके हो, अब और नहीं, थोड़ा नहीं। कंट्रोल करो बेटा। कंट्रोल? मैंने शुरू से ही किसी पे कंट्रोल नहीं रखा, नहीं बीवी पे भी नहीं। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लूंगा, खास करके अपनी बीवी को। आपने तो मुझे रास्ता दिखा दिया पापा। नहीं बेटा, देखो मैंने सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की बात कही है बेटा। तुम जैसे नेक लड़के को इस हालत में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। मैं कहता हूं तुम दोनों के बीच में जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूं बेटा, और अपनी नियति को भी। आप बिल्कुल नहीं जानते अपनी बेटी को। लेकिन मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहा हूं? ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी बेटी के नेचर के इस पहलू से वाकिफ ना हो। फिर भी आपने हमसे ये बात छुपाई। ये तो चीटिंग है ना पापा? चीटिंग कैसी बेटा? तुमसे भला कैसी चीटिंग है? यकीन मानो मेरा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं मालूम मुझे। लेकिन मम्मी जी, आई मीन माय डियर मदर इन लॉ, उन्हें तो सब कुछ पता है। उसके स्टूपिड गुड फॉर नथिंग उसूलों ने नरक बना दिया है हमारा घर। मैं देख सकता हूं पापा कि ये सब सुन के ही आपको कितनी तकलीफ हो रही है। आपको इतनी तकलीफ हो रही है, सोचिए हमारी क्या हालत हो रही होगी पापा। संभालो अपने आप को बेटा। बेटा अंबर, अंबर, अंबर बेटा क्या कह रहा है ये? भारती को सब कुछ मालूम था, फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया आखिर? पता करना पड़ेगा मुझे। अंबर, अंबर बेटा। अरे भाई साहब क्या हुआ इन्हें? अरे ये तो अंबर है। आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं।
तो भाई साहब क्या क्या आप इसे घर तक पहुंचा देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, प्लीज भाई साहब प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी बहुत बहुत। उठाइए, संभल के संभल के संभल के संभल के बहन उठो। अरे क्या हो गया तुझे? संभाल संभाल के ले जाइए, संभाल के ले जाइए इसे संभाल। मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी 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 माँ, सॉरी सॉरी। क्योंकि यहाँ जो भी गलती गड़बड़ खराब चीज हो रही है सब किसकी वजह से हो रही है आप सब जानते हैं, पर मैं क्या करूं, शी इज माई वाइफ। बदकिस्मती से वो मेरी पत्नी है, नियति अंबर शास्त्री। कहाँ है वो? Oh, there she is, my beloved wife, my great wife. Come down, come down. इन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। कुछ अच्छा और कुछ ऐसा जो कयामत से कम नहीं है। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी तरफ से इन सब से माफी मांग चुका हूं। यू चिल चिल। अरे आप लोग सो नहीं रहे आज? मुझे भी सोना चाहिए। अब मैं ठीक हूं। खड़े हो गए। तो तुमने शराब पी है आज और मेरी वजह से, राइट? इसलिए ना, क्योंकि तुम्हें भी यही लगता है कि अखबार में वो खबर मैंने ही छपवाई है। तुम भी मुझे ही गुनहगार समझते हो ना अंबर? मुझे नहीं पता था तुम्हारे मन में भी मेरे लिए इतना शक भरा पड़ा। यहाँ जो भी गलती किसकी वजह से हो रही है आप सब जानते हैं, वो मेरी पत्नी है, नियति अंबर
शास्त्री, अभी थोड़ी देर पहले जो सबके सामने तुम बोल रहे थे और जिस तरह से बोल रहे थे, उसका कारण शायद ये शराब थी जो तुमने पी रखी है। कहाँ जा रहे हैं आप? दिव्यानी, अंबर आज पहली बार पी के घर आया, शायद बहू से अकेले ना समझे। वाह, जो लड़की अकेले पूरे परिवार को डगमगा सकती है, उसके लिए अपने आज्ञाकारी पति को संभालना क्या मुश्किल बात है? हालात की गंभीरता समझो, मुझे अंबर की बहुत फिक्र हो रही। मुझे नहीं हो रही है। अरे माँ हूँ उसकी मैं, उसे टूटता हुआ देखकर मेरा दिल कितना दुखता है, कुछ पता है आपको? हर एक माँ होकर अगर मैं उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? मैं तो सिर्फ उसे यही कहना चाहती हूँ कि जाकर अपनी पत्नी को समझाए कि इस घर में जो गलत हो रहा है ना, इसमें गलती उसकी पत्नी की है। क्या इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बेटे से ऐसी उम्मीद कर सकूं? जाकर पूछिए तो सही उससे, किसके कारण पीकर आया है वो, मेरे कारण या? शादी की पहली सुबह मुबारक। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। वादा करो तुम कभी मेरे पैर नहीं छूओगी। देखो देखो, इस घर में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मना करके मेरा दिल मत तोड़ना। वादा? अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूं तो ठीक है, अब इस टेंशन को जड़ से भी मैं ही मिटाऊंगी। मुझे नहीं पता कल की सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी, लेकिन तुम्हारे लिए कल का सूरज एक नई सुबह लेकर आए, इसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती कि इंसान इतना टूट जाए कि उसे ऐसी चीज का सहारा लेना पड़े जिसे लेने के बाद उसे कुछ सहारे की जरूरत पड़ जाए। नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे। I'm